तो हम लोगों को मिली है एक अबैंडन्ड बुगाटी वेरॉन, जिसको आज हम लोग इस वीडियो में रिबिल्ड करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाला है ये रिबिल्ड, सो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड भाई लेके चलते हैं इसको अपने गैराज जहां पे इसका रिबिल्ड करने वाला है। बट आप लोगों को इसका बेसिक सा लुक दिखाना चाह रहा हूँ। देखो फ्रंट से ना कुछ ज्यादा ही डैमेज है, इसका फ्रंट जो बम्पर बोनेट एंड विंडशील्ड रहता है ना पूरा टूटा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे पूरा एकदम स्क्रैचेस से भरा है भाई ये। पेंट भी इसका बहुत ज्यादा बेकार हो चुका है, पता नहीं किस कंडीशन में था बेसिकली यहाँ पे, पता नहीं कौन इस जंगल में इसको छोड़ के चले गया था। बट हम लोगों को मिल चुका है तो ऑब्वियसली यार इसको हम लोग एकदम क्लीन बनाने वाले हैं एंड बहुत अच्छा खासा ट्यून करने वाला है। एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ भाई, इसका व्हील टेढ़ा मेढ़ा है, इधर का भी व्हील पूरा बाहर फेंका हुआ है, पीछे का भी व्हील पूरा बाहर फेंका हुआ है, फ्रंट का भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा। वेट अ सेकेंड भाई, देखो इंजन इसका पूरा प्रॉपर रनिंग कंडीशन में है बट हम लोगों को उसको ऑब्वियसली ट्यूनिंग एंड उसका क्लीनिंग तो करना पड़ेगा। रिवर्स करते हैं, धीरे धीरे रिवर्स किया जाए। ओके चल तो रहा है इंजन विदाउट एनी हिकअप्स। जैसे अभी भाई जैसे मैं बोलता हूँ तभी क्यों ऐसे प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है यार। इसका ना हम लोग इंटीरियर चेक कर दे भाई साहब, भाई इंटीरियर पूरा क्लीन है, ऑब्वियसली विंडोज विंडशील्ड सब कुछ क्रैक्ड है लेकिन क्लोज्ड था तो इसका इंटीरियर एकदम क्लीन है। बट पता नहीं इंटरनल्स में क्या प्रॉब्लम हो रहा होगा, जो भी कुछ होगा हम लोगों को तो भाई कोई टेंशन नहीं है। आप लोग मेरे रिबिल्ड के वीडियोस देखे ही होंगे यार, मैं प्रॉपर तरीके से रिबिल्ड करता हूँ एंड भाई हम लोग इसको भी अच्छे तरीके से रिबिल्ड करेंगे। बट सबसे पहले हम लोगों को इसको किसी तरीके से ना गैराज पहुँचाना है सेफली, हम लोगों का मेन काम वही है अभी। आई थिंक देखो इधर सामने में रोड तो दिख रहा है, नहीं वो रोड नहीं है भाई वो रिवर है, ये रोड दिख रहा है, ये कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है हम लोगों को देखना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली हम लोगों ने यहाँ पे मार्किंग तो लगा लिया है भाई, यहाँ बगल में है, मैप भी मैंने ओपन कर लिया जिससे हम लोगों को पूरा रूट पता चलेगा एंड आई थिंक हम लोगों को बीच में ना हाईवे में जाने का मौका मिलेगा। भाई भगाऊंगा कि नहीं भगाऊंगा अभी मेरे को पता नहीं है, देख रहे हो व्हील्स कितना ज़्यादा ही डैमेज है ना, कुछ ज़्यादा ही डैमेज है यार व्हील इसका, टेढ़ा मेढ़ा है भाई। भाई स्टॉप क्या है, रियर का व्हील देखो किस तरीके से टेढ़ा है इस साइड। भाई यार आई थिंक हम लोगों को बॉडी एंड इसका सस्पेंशन वर्क कुछ ज़्यादा ही करना पड़ेगा। भाई देखो तुरंत क्विक तो एक्सेलरेट कर रहा है, वैसे ज़्यादा भगाना नहीं चाहिए लेकिन यार ऑब्वियसली अभी हम लोग इसका इंजन भी रिबिल्ड करेंगे, टेंशन की बात नहीं है। हम लोग अगर इंजन डैमेज भी हो रहा है अभी भगाते हुए ना तो हम लोग ईजिली उसको रिपेयर कर लेंगे। बट पहले हम लोगों को रोड में जाना है यार, ये रास्ता आई थिंक फॉलो करेंगे तो रोड जाएगा। यस इधर से ही रास्ता कनेक्ट हो रहा है एंड हम लोगों को यहाँ से सीधे जाना है भाई, प्रॉपर सीधे जाएंगे तो हम लोगों का मैप जो GPS लोकेशन है ना वो हम लोगों को हाईवे कनेक्ट करके देगा जहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत भगा सकते हैं। ये ब्रोकन बुगाटी वेरॉन को बहुत ज़्यादा डस्टी भी हो चुका है, साउंड सुनते हैं, साउंड बहुत क्लीन है, साउंड बहुत क्लीन है यार सच में। एंड भाई एक्सेलरेट भी कर रहा है बहुत ज्यादा, भाई इधर नहीं जाना है, आई थिंक व्हील का ना थोड़ा तो दिक्कत हो रहा है भाई, टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है भाई। हम लोग इसको सही तरीके से पहुंचा भी पाएंगे कि नहीं भाई, भाई मैं व्हील ज्यादा टर्न भी नहीं ले रहा हूँ लेकिन ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा भाग रहा है। देखो मैं सीधा रखने का, जो कि यहाँ पे स्ट्रेट रहा है आप लोग देखना यहाँ पे। अरे भाई यार एक तो ऐसे ही टूटा हुआ है, पता नहीं आके मेरे में और तोड़ रहा है यार गाड़ी को। भाई साहब क्या बंदा, कौन सा ड्राइवर था तू बताना, क्लोज था भाई क्लोज था। ओके स्ट्रेट रोड में इसका एक टेस्ट करके देखते हैं स्ट्रेट रह रहा है कि नहीं। अलाइनमेंट भाई अलाइनमेंट बहुत बिगड़ा हुआ है भाई साहब, आप लोग देखना मैं ना यहाँ पे स्ट्रेट में व्हील को एकदम सीधा रखूंगा, व्हील को मैं बिल्कुल भी टर्न नहीं करूंगा, देखते किस साइड ज्यादा भाग रहा है। ओके भाई यार ये तो ऐसे ही कंट्रोल नहीं हो रहा, ओके व्हील पूरा सीधा है अभी लेफ्ट भाग रहा है यार, ये क्या बुगाटी मिल गया है भाई, सीधा चलना। ओ भाई यार पीछे का भी व्हील तुरंत टेढ़ा मेढ़ा भाग रहा है यार, हम लोगों को इसको गैराज में जाने बहुत दिक्कत होगा भाई साहब, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। आप लोगों को अंदर से दिखाता हूँ नहीं तो आप लोग बोलोगे मैं टेढ़ा मेढ़ा चीटिंग कर रहा हूँ। देखना स्टेयरिंग व्हील, वेट सीधा खड़ा हो, एकदम स्टेयरिंग व्हील सीधा है, देखो किस तरीके से लेफ्ट भाग रहा है भाई। फिर से आया वो बंदा, टकराना मत अपने में इस बार
लेट्स गो भाई, हम लोगों को 12 किलोमीटर इसी तरीके से स्ट्रगल करते हुए चलाना है यार। थोड़ा तो मैनेज करना पड़ेगा यार, चलते हैं धीरे धीरे लेके चलते हैं, बट थोड़ा बहुत भगा के देखेंगे यार, होपफुली कंट्रोल हो जाए। कंट्रोल बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मेरे को यार, मुश्किल है मेरे को लग रहा है कंट्रोल होना अभी जिस कंडीशन में। देख लो लेफ्ट राइट बस लहरा रहा है यार। ये क्या बुगाटी मिल गया है भाई साहब, कुछ ज्यादा ही दिक्कत नहीं हो गया यार? सच में कुछ ज्यादा ही बेकार नहीं मिल गया हम लोगों को यार? हम ही लोगों को ऐसा क्यों मिलता है एकदम बेकार कंडीशन में अबैंडन्ड कार? यहाँ बहुत लोगों को एकदम अच्छा खासा मिलता है, बस बॉडी डैमेज रहता है, सीधा चला के उन लोग भाई घर में जाके आराम से रिबिल्ड कर लेते हैं यार। पर हम लोगों की किस्मत बहुत बेकार है, किस्मत बेकार नहीं बोलेंगे, हम लोग एक्चुअली प्रो बन चुके हैं इसमें रिबिल्ड करने में। सो आई थिंक यहाँ पे हम लोगों को ना चैलेंजेस मिलते हैं बेसिकली, कि भाई अब ये गाड़ी को रिबिल्ड करके दिखाओ, अब ये गाड़ी को रिबिल्ड करके दिखाओ। एक के बाद एक ना गाड़ियाँ एकदम खराब होते जा रही हैं भाई यार। सामने चल रही है एवेंटेडोर भाई यार, रोड में रहे भाई। ओके चला जाए, 10 किलोमीटर जाना है, बट अभी हाईवे आएगा, इसके बाद सीधा हाईवे। सीधा रहे भाई, सीधा रहे, ज़्यादा तेज़ भगा भी नहीं पाएंगे यार मेरे को लग रहा है। हम लोग अगर भगाएंगे तो पक्का से क्रैश करेंगे, 100% है। तो भगा भी नहीं रहा हूँ भाई, लहरा रहा है एकदम, तुरंत स्किड कर रहा है। मे भी टायर का ग्रिप का इसका सीन होगा भाई यार, इधर जाना है। बहुत ज़्यादा व्हील टर्न है यार, देख रहे हो कैसा कंडीशन में दिख रहा है, टेढ़ा मेढ़ा ट्रैप वॉक कर रहा है, मतलब बहुत बेकार चल रहा है यार। चलो ट्राई करते हैं हाईवे में, हाईवे में तो आ गए हैं भाई। क्या ट्राई यार, 80-90 के ऊपर में एकदम आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है यार, बहुत डर लग रहा है इसको चलाने में, ज़्यादा तेज भगा भी नहीं पाएंगे लग रहा है यार। इंजन एकदम प्रॉपर है, लेकिन इंजन लाइक प्रॉब्लम हो ही नहीं रहा इंजन में हम लोगों को कुछ। चलो देखते हैं, हाईवे तो आ गया है, सिर्फ और सिर्फ 9 किलोमीटर बचा है, जहाँ पर हम लोगों का गैराज है, जहाँ पर हम लोग इसका रिबिल्ड चालू करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका बॉडी वर्क एंड इसमें एक प्राइमर कोट मारेंगे, देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा पेंट हम लोगों को लगाने की ज़रूरत है, बट सेफली घर पहुंच जाऊं बस मैं। हाँ यार हट ना यार, ये तो टो व्हीकल है ना भाई, टो कर ले यार। 200 तो एटलीस्ट भगाने का ट्राई करते हैं, सीधा सीधा बो, सीधा चलना है यार। इतना ट्रक, एक तो गाड़ी लहरा रहा है, अबैंडन गाड़ी, ऊपर से इतना ज़्यादा ट्रैफिक दिख रहा है भाई, देख रहे हो लाइन से ट्रैफिक चल रही है भाई। मतलब किस्मत ऐसा बेकार हो गया है आज, भगाने का मतलब मौका मिलेगा भी तो भी भाग नहीं, भगा नहीं पाएंगे हम लोग इसको सही से। देख रहे हो तुरंत स्किड मार रहा है यार, लहरा रहा है बहुत ज़्यादा। गाइस आप लोगों को क्या लगता है, क्या रीज़न होगा कि ये इस तरीके से लहरा रहा है, क्या हो सकता है? मेरे को ऐसा क्या लग रहा है, ये कहीं ना कहीं से ना लाइक ड्रॉप किया है, मे भी थोड़ा बहुत ही लाइक हाइट से ड्रॉप किया होगा, लेकिन ड्रॉप किया होगा जिससे इसका सस्पेंशन ना बेंड हो गया है, आगे पीछे का दोनों ही सस्पेंशन, चारों ही सस्पेंशन बेंड हो चुके होंगे, वो रीज़न मेरे को एक लग रहा है। आप लोगों के हिसाब से क्या होगा इसका, इस तरीके से चलने का राज क्या है भाई, सीक्रेट क्या है भाई बुगाटी का, क्या सीक्रेट पाल के रखा है भाई ये वेरॉन? एंड कौन बंदा होगा यार इतनी अच्छी गाड़ी को अबैंडन कर दिया तुरंत यार, कम से कम भाई रिबिल्ड करवा लेता, मेरे को पैसे दे के रिबिल्ड करा लेता, बट जितना पैसा वो रिबिल्ड कराता ना उतने पैसे में तो मैंने इसको खरीद लिया है भाई, प्रॉफिट तो मेरा ये। वाह वाह भैया वाह वाह यार, ये वो वाला सीन है कि स्कूटी में अगर लेफ्ट इंडिकेटर दे रहे तो भाई स्कूटी राइट जाती है, लेफ्ट नहीं जाती है भाई, बुगाटी वैसे ही एक्ट कर रहा है अभी। देखते थोड़ा सा कंट्रोल करने का, नहीं भाग रही है भाई, नहीं भाग रही है, बिल्कुल नहीं भाग रही है, बिल्कुल भी नहीं भाग रही है सही तरीके से। मैं 130 अभी मैक्सिमम लेके जा पाया, लगो लेट्स गो फुल ऑन सेंड करते हैं भाई। मैं क्या बोलूँ, मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, वर्ड्स नहीं है मेरे पास। जैसे ही मैं भगाने का ट्राई किया, सीधा भाग रहा था, सामने ट्रैफिक आ गया, अब लहराने लग गया। वाह वाह दीदी वाह, एक और बार ट्राई करते हैं, लेकिन सामने फिर से ट्रैफिक दिख रहा है, बट स्टिल ट्राई किया जाए। फाइव विंग्स ओपन हो रहे हैं पीछे के, स्पॉइलर आई मीन, एंड 250 तो टच कर दिया हम लोगों ने, बट खेत में जाके क्रैश नहीं करना है यार इस तरीके से। चलो भाई सीधा यार, ऑलमोस्ट हम लोग अपने घर के पास पहुंच गए, 3.5 किलोमीटर अराउंड 3.2 किलोमीटर बचा है, जल्दी से हम लोग पहुंचते हैं गैराज एंड स्टार्ट करते हैं भाई इसका रिबिल्ड।
यार इतनी मेहनत के बाद भाई ये हाईवे कंप्लीट किया है ना मैंने, मैं जान रहा हूँ भाई कितना मेहनत लगा यहाँ पे। बगल में ही हम लोगों का गैराज है भाई, इतना तो टकरा दिए हैं यार, और कितना टकराने वाले आएंगे भाई ट्रैफिक में। ये रहा अपना गैराज, यहाँ पे हम लोग भाई इसका प्रॉपर रिबिल्ड चालू करते हैं, बट हम लोगों को अंदर इसको पार्क करना पड़ेगा, सो जल्दी चलते हैं यार अंदर, एंड बॉडी एंड प्राइमर कोट मारने के बाद मिलते हैं। तो गाइस हम लोगों ने इसका फुल्ली बॉडी को रिपेयर कर लिया है, बस प्राइमर कोट एंड बॉडी रिबिल्ड हुआ है। हम लोगों ने अभी तक इसका सस्पेंशन वर्क नहीं करा है, ना ही इसका इंजन वर्क किया है, जो कि ऑब्वियसली मैं अभी करने वाला हूं। बट आप लोगों को करने से पहले इसका व्हील का कंडीशन देखो यार, आप लोग क्या है ये, क्यों है ये, मतलब भाई पीछे का ऐसे है तो आगे का ऐसे है, टेढ़ा, मेरा हाथ भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो पा रहा है वैसा, इतना बेकार कंडीशन में ये बुगाटी है भाई। बट ये तो अच्छी बात है कि इसका इंजन बहुत अच्छा खासा वर्क कर रहा था, हम लोगों ने आई थिंक 250 भगाया था ना अभी इसको प्रॉपरली, आई थिंक भगाए थे 250 भगाए थे मेरे को जितना ध्यान है। तो चलते हैं भाई इसका बॉडी पार्ट्स में वर्क करने, इसके फुल्ली सस्पेंशन वर्क करने एंड इसका इंजन में वर्क करने। लेट्स सी हम लोगों को क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है भाई। बॉडी किट में सिर्फ स्पॉयलर्स है, एक तो स्पॉयलर ना यार, आई थिंक वो जो खुद से लिफ्ट होने वाला स्पॉयलर है ना वो ज़्यादा मजा आएगा। स्प्लिटर्स हैं, ओके ओके, एक चीज़ मेरे को दिख रहा है भाई, ये पुलिस सायरन के साथ आता है, ये मेरे को नहीं पता था भाई। इसमें पुलिस, इसको हम लोग प्रॉपर पुलिस कार ही बना सकते हैं, बट आई थिंक फिलहाल पुलिस कार नहीं बनाएंगे, फिलहाल नहीं बनाएंगे यार। बाद में अगर आप लोगों को पुलिस कार भी देखना है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर से बताना, हम लोग इसका प्रॉपर पुलिस कार का बिल्ड करेंगे। इसमें हम लोग लगाते हैं सेमी स्लिक, ये सेमी स्लिक लगाते हैं, एंड टायर का साइज ऑब्वियसली यार बड़ा तो करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग इसको प्रॉपरली इसका इंजन को चेंज करने वाले हैं। एलॉय व्हील्स का मैं उतना मेरे को स्टॉक एलॉय व्हील्स से ज़्यादा मज़ा आ रहा था वैसे, ये मज़ा आया ना यार, ये कुछ ज़्यादा ही अजीब सा हो जा रहा है। वेट अ सेकंड, स्टार वाला नहीं ना, ये लेते हैं ना फील्ड वाला, थोड़ा फिल रहेगा लाल। वेट यार मेरे को क्यों स्टॉक एलॉय ही मज़ा आ रहा है यार, मे बी ये गोल्डन वाला लगा सकते हैं, एडवान का है, लेट्स गो इसको लगाते हैं। आप लोग बताना कि स्टॉक वाला जो था वो अच्छा लग रहा है कि ये वाला अच्छा लग रहा है, बेसिकली बाद में अगर मन करेगा चेंज करने का तो मैं चेंज कर लूँगा। बाकी सब भी काम चालू कर ही देते हैं यार हम लोग ना, इसका अभी यहाँ पे सस्पेंशन चेंज करेंगे, बेसिकली रेस क्लच लगाएंगे, रेस का ट्रांसमिशन लगाएंगे, जो भी रेस का सामान है ना सब रेस का लगाएंगे हम लोग, और मतलब रेस से ऊपर नीचे तो नहीं जाने वाले। देखो डिफरेंशियल में यहाँ पे रैली ड्रिफ्ट एंड ऑफ रोड है, सो भाई रेस है तभी लगाऊंगा, नहीं तो नहीं लगाऊंगा, ये मैंने सोच लिया है भाई। एंड यहाँ पे रैली का स्प्रिंग लगा के रखा, तो गजब यार कौन बंदा का भाई गाड़ी था यार। ओके रेस वाले से लिफ्टेड लाइक थोड़ा सा नीचे हो गया है तो इसको लगा लेते हैं, बाकी ये एंटी रोल बार्स भी लगा ही लेते हैं यार, ये सब भी काम आएगा। रोल के दैन वेट रिडक्शन मैं नहीं करूँगा, थोड़ा स्ट्रीट स्टाइल में रखना चाह रहा हूँ। अब बारी है इसके इंजन अपग्रेड करने की, फिलहाल ये प्रोड्यूस कर रहा है 1183 HP। भाई हम लोग इसका इंजन अपग्रेड करेंगे तो कितना जाएगा, 1190 HP हुआ है सिर्फ इसका रेस इंटेक लगाने से, फुल फ्यूल सिस्टम लगाने से हुआ है भाई 1200 HP। यार भाई 1500-1600 के ऊपर जाएगा मेरे को लग रहा है। एग्जॉस्ट, ओके एग्जॉस्ट का साउंड सुनते हैं, ये हम लोगों का स्टॉक एग्जॉस्ट है, ठीक है लाउड है ये, हाँ कुछ तो चेंज नहीं हो रहा, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, बस हम लोगों का पावर बढ़ रहा है। ऑब्वियसली पावर बढ़ेगा तो हम लोग लगाएंगे, लेकिन मेरे को उम्मीद था कि साउंड भी चेंज होगा, बट साउंड चेंज नहीं हुआ। 1300 HP हुआ, नाउ कितना हुआ 1322 HP, बाप रे भाई साहब 1333 HP, ट्विन टर्बो कितना देगा, आई थिंक 100, हाँ 100 एंटी लैग के साथ लगाएंगे भाई। 1442 HP इसका अभी स्टॉक में, बेसिकली स्टॉक इंजन में हम लोगों ने ट्यूनिंग करने के बाद 1442 HP किया है, 1465 HP, बाकी ये सबसे उतना पावर इंक्रीज नहीं होता है। 1470 HP ये मैक्सिमम जा रहा है भाई, फुल्ली हम लोगों ने इसको बना लिया है। अभी हम लोगों को इसमें डिज़ाइन भी ऐड करना है, सो लेट्स सी कौन सा डिज़ाइन मैं ऐड करता हूँ। यार देखो बहुत सारे ऑप्शन हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट कोई सा तो अच्छा सा हम लोग अपने लिए सेलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे पुलिस वाला है, प्रॉपर पुलिस का हम लोग बुगाटी वेरॉन बना सकते हैं,
अभी नहीं बनाई। ओ बैटमैन, बैटमैन का लगा ले क्या यार, बहुत मन कर रहा है मेरे को बैटमैन का लगाने का। प्लस ये फुल ब्लैक वाला भी अच्छा लग रहा है, बट आई थिंक बैटमैन हम लोग लगाएंगे यार। तो गाइज हम लोगों का फुल्ली बुगाटी वेरॉन रिबिल्ड हो चुका है, एंड ये देख रहे हो I'm Batman. मैं हूँ बैटमैन भाई। मजाक कर रहा हूँ आई एम नॉट अ बैटमैन, बट हम लोग भाई गाड़ी में स्टिकर्स लगा के तो घूम ही सकते हैं यार। इतना अच्छा तो हम लोगों ने इसमें काम किया कि भाई ये ऐसा कर सकते हैं यार। ये छपरी नहीं है भाई, ये एक्चुअली हम लोगों ने इसको प्रॉपरली रिबिल्ड किया है ना। सो लेट्स गो, चलाते हैं अब भाई साहब। इसका साउंड सुनने को मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज हम लोगों ने इसमें एंटी लग लगाया था। साउंड सुन रहे हो यार, तो पटाखे मार रही है भाई यार, बहुत ज्यादा खतरनाक पटाखे मारी है। बहुत ज्यादा स्मूथ हो गया इंजन, तुरंत रेव कर रहा है, स्मूथ साउंड है, स्मूथ इंजन लग रहा है। भागेगी कैसे वो देखना है अभी, बट फिलहाल तो स्लोली स्लोली चलाएंगे कुछ देर तक ऑब्वियसली। भाई तुरंत तुरंत बना के लाए यार, तुरंत भगाना इसको लाइक वर्थ इट नहीं रहेगा यार। कुछ देर तक तो थोड़ा हम लोग स्लोली चला के देखते हैं, फील करते हैं गाड़ी कैसा कंट्रोल हो रहा है। अगर हम लोगों को कुछ करने की जरूरत है करेंगे उसको, देन हम लोग इसको प्रॉपरली भगाएंगे। लेट्स गो, इजी भाई इजी, एंड कितना स्मूथ चल रहा है अभी। पहले का देखे भाई, अभी स्ट्रेट एकदम मैं रखा हूँ, स्ट्रेट जा रहा है एकदम गाड़ी, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं जा रहा है, अलाइनमेंट एकदम प्रॉपर हो गया है। उसका सस्पेंशन जो था ना, वही हम लोगों का प्रॉब्लम था मेन, हम लोगों ने उसको प्रॉपरली कर लिया है। आई थिंक हम लोगों को आगे से मुड़ के इधर जाना था। हम लोग ना लेफ्ट चलते हैं, लेफ्ट से थोड़ा बहुत घूम के आते हैं, एक घर है, मैं एक घर के पास चलता हूँ, वहाँ से वापस हम लोग आएंगे हाईवे। वो घर जाते जाते तक हम लोगों को थोड़ा बहुत ना टेस्टिंग भी हो जाएगा, वैसे जो भी हम लोगों को टेस्टिंग थोड़ा बहुत करना है। 150 भाई इजी जा रहा है यार, थर्ड गियर ज़्यादा थोड़ा नहीं, चिल करके चलाएंगे यार, फर्स्ट पर्सन चलाते हैं। आप लोग एंजॉय करो भाई, बुगाटी का इंटीरियर क्या ही प्यारा। लाइक बुगाटी कार में ना क्या होता है, ऐसे एकदम कुछ ज़्यादा ही भरे हुए नहीं रहते हैं, बेसिक सा रहता है, लेकिन पूरा प्रॉपर स्पेसशिप जैसा लगता है भाई। देख रहे हो यहाँ पे मिडिल में कुछ कुछ पैनल दिया गया है, जिसमें हम लोगों का एसी डक्ट है, एंड आई थिंक कुछ कुछ कंट्रोल्स के लिए है, एंड एक कुछ तो मीटर लगा है, पता नहीं ऐसा देख के समझ आएगा नहीं, लेकिन कुछ तो होगा यार। वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा रखते हैं बुगाटी का इंटीरियर, बट ऑब्वियसली बुगाटी इज अ बुगाटी यार। भाई वेरॉन आई थिंक आप लोग जान रहे होगे यार, यो हनी सिंह के सॉन्ग में आया था भाई, बहुत ही क्रेजी म्यूजिक वीडियो बनाया था उसने, एंड भाई ऑब्वियसली आई एम बैटमैन। थोड़ा बहुत पुश करके देखते हैं भाई, अब थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, हाईवे में हम लोग इसको प्रॉपरली पुश करके देखेंगे भाई। थर्ड गियर में भाई 200 तो इजिली क्रॉस किया, 200 क्रॉस करने में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ भाई। लेट गो सेकेंड गियर, थर्ड गियर प्रॉपर फुल 223 भाई साहब 223 ईजी जा रहा है यार। फोर्थ गियर भाई यार, ये तो यहीं पे टॉप स्पीड अटेन कर लेगा ऐसा लग रहा है, इतना ज़्यादा कंट्रोल भी हो रहा है ना कि हम लोग ये प्रॉपर नैरो रोड में भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। 279 मैन, क्या गाड़ी बनाया भाई, एंड ऑब्वियसली साउंड सुनना डाउन शिफ्टिंग का, क्या तो पटाखे मारती है भाई। लेट्स गो, क्या कितना पटाखे मारी है भाई, कोई गिन पाएगा क्या, कोई गिन पाएगा इतने पटाखे, आई डोंट थिंक सो कोई गिन पाएगा। गिन पाएगा तो मैं जरूर से बताना कितने पटाखे मारी इसने भाई। एंड हम लोग अपने घर आ गए, यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा काम भी है, तो यहाँ पे जल्दी से काम निपटाते हैं। अब मेरे को समझ आ गया भाई, गाड़ी प्रॉपरली रिबिल्ड हो चुका है, कोई भी प्रॉब्लम मेरे को इसमें नहीं लग रहा है, तो हम लोग इसको सीधे लेके चलेंगे भाई हाईवे। बस मैं आया एक सेकंड में। ओके भाई काम हो चुका है इसको ना, मैं एक चीज ट्राई करता हूँ, बच गया यार हल्का सा, मेरे को लगा यार मुड़ जाएगा, बट ऑल व्हील ड्राइव का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मतलब सही तरीके से नहीं मुड़ पाती है। लेट्स गो भाई, अभी ना हम लोग यहाँ से डायरेक्टली हाईवे जाएंगे, जो रास्ते से हम लोग आए थे उसी रास्ते में हम लोगों को वापस जाना है, हम लोगों का हाईवे कनेक्ट हो जाएगा, एंड हम लोग इसका प्रॉपर एक टॉप स्पीड रन करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। सो गाइस आप लोग एक काम करना, आप लोग एक गैस रखो कि ये बुगाटी वेरॉन का टॉप स्पीड कितना जाता है। अभी मैं टेस्ट तो करने ही वाला हूँ, आप लोगों का गैस एंड इसका टॉप स्पीड जरूर से कमेंट करके मेरे को बताना,
लेट्स सी कौन कितना क्लोज रहेगा यार। मेरे को लग रहा है ना ये 360 या 380 जा सकता है। मैं 380 को लॉक करता हूँ, लेट्स गो। मेरा गैस है 380 भाई। अब हाईवे चलते हैं, देखते हैं भाई कितना आता है। भाई हाईवे के पास तो आ गए हैं, बट एक चीज़ मेरा मन कर रहा है, राउंड अबाउट में थोड़ा बहुत भी ड्रिफ्ट करेगा ये भाई। यार मेरे को ना एक और हैंड ब्रेक चाहिए यार, हम लोग टेबल में लगा के रखेंगे ताकि अगर हम लोग जब भी थ्रस्ट मास्टर से गेम प्ले कर रहे हैं ना तो हम लोग हैंड ब्रेक यूज़ कर पाएँ। ना हो पाएगा। ऑल व्हील ड्राइव सीखना है यार मेरे को, ऑल व्हील ड्राइव ड्रिफ्टिंग सीखना है भाई सच में। चल मुड़ 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 जा भैया, विदाउट हैंड ब्रेक दिक्कत है यार। मुड़ जा, ना मुड़ेगा यार। चलो यार चलो चलो, बहुत टाइम पास हो गया, लेट्स गो। अब भाई बारी है इसका प्रॉपर टॉप स्पीड टेस्ट करने का, जिसके लिए आई थिंक आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे होंगे। आई एम रियली सॉरी यार, इतना वेट करा मैंने आप लोगों को, बट अब ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। बस हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट रास्ते में जाएं एंड ऐसा ट्रैफिक ना मिले भाई। यार मेरा मूड सड़ जाएगा यार सच में। लेट्स गो, स्ट्रेट हाईवे आया है भाई। यार ऐसे तो नहीं भगाएंगे हम लोग, इसका ये भी टेस्ट करेंगे कि ये 0 से 100 कितने सेकंड्स में जा रहा है। लॉन्च कंट्रोल में लेते हैं, एंटी लैग साउंड सुनो, एंड 0 से 100 कितने सेकंड्स में जाएगा ये कमेंट करके बताना। लेट्स गो, 3 2 1 एंड गो। कितना सेकंड था भाई, कितना सेकंड था? एंड लेट्स सी, मेरा गेस था 380 भाई, 380 किलोमीटर पर आवर। भाई साहब ट्रैफिक भी है प्लस कंट्रोल भी लूज कर रहा है भाई ये। बाउंस किया भाई 360 यार, 380 ज़्यादा जाएगा आई थिंक। 400 यार, 400 इजीली क्रॉस कर रहा है ये भाई साहब। 400 टच कर गया बुगाटी वेरॉन मैन, 400 यार मेरे को लग रहा है ना 450 जा सकता है, होपफुली जा सकता है 450। लेट्स सी, 433 440 तो ईजी जाएगा, नहीं जाएगा क्या भाई? 436 हम लोगों ने देखा अभी तक, 35 यार आई थिंक 436 इसका टॉप स्पीड है क्या? लेट्स सी थोड़ा सा अभी और पुश करते हैं, यहाँ पर है जगह अभी। फुल हाईवे हम लोग इसको घीसते हैं ना यार, पूरा हाईवे कंप्लीट करते हैं ना पूरा। मैं पेडल दबा के रखा हूँ, गियर भी हम लोगों का 7 गियर इसमें लास्ट रहता है। 436 ही मेरे को दिख रहा है अभी तक। आई डोंट थिंक सो ये 436 के ऊपर जाएगा भाई, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। 436 के ऊपर जाने का भाई नाम नहीं ले। एंड भाई ये स्पॉइलर कितना प्यारा है भाई, लेट्स गो। फिर से एक बार स्पॉइलर दिखाता हूँ हम लोगों को भाई, ब्रेक मारने पे देखना कैसा वर्क करता है ये देखो। आई साहब यार तुरंत रुक भी रहा है ना। एंड गाइस आप लोगों में से किसका गेस कितना क्लोज था मेरे को कमेंट करके ज़रूर से बताना यार। भाई अब नहीं होगा यार, अब नहीं होगा। बट आई थिंक ये बुगाटी वेरॉन का जो रिबिल्ड है ना फुल्ली कंप्लीटेड है। आई डोंट थिंक सो अभी इसमें हम लोगों को कोई काम करने की ज़रूरत है। प्रॉपरली भाग रहा है भाई, जितना इसका टॉप स्पीड भागना चाहिए, अच्छा खासा टॉप स्पीड है। 436 का इसका टॉप स्पीड जा रहा है एंड इवन ये कंट्रोल भी अच्छा खासा हो रहा है। सो अगर आप लोगों को ये बुगाटी वेरॉन से कोई रेसेस देखने हैं, ग्लैप रेस देखना है, मेरे को कॉमेंट करके ज़रूर से बताना। ये वीडियो पसंद आएगा, इस वीडियो को भी ज़रूर से लाइक करिएगा एंड गाइस सब्सक्राइब करिएगा। भाई ये स्पॉइलर देखो यार कितना ज़्यादा प्यारा दिख रहा है। होपफुली आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो पे।